तो मेरे दूसरे चैनल क्रिटिक पर यह सबसे पहली वायरल वीडियो थी, क्योंकि इसका CTR शुरू में 20% से भी ज्यादा था। तो वायरल होने के लिए CTR कितना जरूरी है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन CTR बढ़ाए कैसे, तीन सिंपल चीजें, टाइटल, थंबनेल और क्या वीडियो का मुद्दा ये थर्ड फैक्टर, ऐसी थोड़ी बता दूंगा। एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू इंक्रीज CTR और इम्प्रेशंस क्लिक थ्रू रेट ऑन YouTube। तो थर्ड फैक्टर को अच्छे से जानने के लिए चलते हैं टेक्निकल सागर, जो कि एक लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ काफी पुराना टेक चैनल है उस पर। अगर तुम यहाँ नॉर्मल व्यूज देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हर वीडियो 1 लाख व्यूज तो इजीली क्रॉस कर ही लेती है। अब अगर हम थोड़ा सा स्क्रोल करके नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ एक स्पेशल वीडियो मिलेगी। वीडियो का टाइटल है अपडेट, सिर्फ अपडेट। क्या वीडियो देखने से तुम्हारा फोन अपडेट हो जाएगा, या वीडियो में अपडेट्स की हिस्ट्री बताई है, या कोई नया अपडेट आया है तो किस ऐप का या किस सॉफ्टवेयर का आया है। हमारे पास लिटरली जीरो इन्फॉर्मेशन है, बस एक सिंगल वर्ड अपडेट। और इस पर व्यूज कितने हैं, हमेशा की तरह 1 लाख प्लस। ऐसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर तुम्हें कई वीडियोस मिलेंगी, जैसे ये रोस्ट, किसका रोस्ट, कैसा रोस्ट, कुछ नहीं बता, बस रोस्ट। ऐसे ही सेम कई वीडियोस हैं स्नैपचैट, एकिनेटर, एंड इस वीडियो में तो सिर्फ 2 सिंबल्स का यूज किया गया है, टेक्स्ट तक नहीं है भाई। पर व्यूज सभी वीडियोस पर या तो नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा है। अब जरा सोच कर देखो, अगर तुम एक वीडियो डालते हो जिसका टाइटल बस लिख दो रोस्ट या बस अपडेट, अनलेस तुमने थर्ड फैक्टर टिक करा है, व्यूज नहीं आने वाले हैं। तो भाई ये थर्ड फैक्टर है क्या, इट्स सिंपल, रीसेंट वीडियोस। एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम इस बात से ही समझ सकते हो कि मिस्टर बीस्ट, जिसके की 60 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और लाइक टॉप क्रिएटर्स में से एक है, उसने खुद इसके बारे में बताया है। पर कब, कहां और ऐसा क्या बताया है, ये वीडियो YouTube के ही अनऑफिशियल चैनल, जिसको कि YouTube के ही कुछ एम्प्लॉयज चलाते हैं, उस पर 7 फरवरी 2020 को अपलोड हुई थी। अगेन कॉपीराइट का रिस्क ना लेते हुए मैं यहाँ वो वीडियो प्ले तो नहीं करूंगा, पर उसमें एग्जैक्टली 7 मिनट 15 सेकंड पर मिस्टर बीस्ट कुछ ये कहता है, अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स थिंक क्लिक थ्रू रेट इज जस्ट लाइक द टाइटल एंड थंबनेल एंड दे क्लिक इट, बट अ लॉट ऑफ इट इज डिड दे एंजॉय योर लास्ट वीडियो। दोबारा सुनो, डिड दे एंजॉय योर लास्ट वीडियो, क्या तुम्हारी लास्ट वीडियो ऐसी थी को देखने के बाद अगर उनके सामने तुम्हारी कोई नई वीडियो आती है तो वो उस पर क्लिक करें, क्या वो उतनी एंटरटेनिंग थी, क्या उसमें उतनी इन्फॉर्मेशन थी, क्या ऑडियंस को वो किक मिली। एंड ऑल्दो ये सब चीजें तो कंटेंट के अंदर आ जाती हैं, मतलब तुम जितना तगड़ा कंटेंट बनाओगे चांसेस बढ़ जाएंगे लोग तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो पर भी क्लिक करें। पर जहां तक है इस थर्ड फैक्टर के बारे में, तुम सुन तो काफी बार चुके होगे, पर अब बात आती है इसको टिक कैसे करें। तो हर बार की तरह सबसे तगड़ी स्ट्रेटेजी तो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, बट अभी बात करते हैं टिप नंबर 2 की, बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू प्रॉमिस। इससे होगा क्या, अगर तुम्हारा कंटेंट और पर्सनालिटी कंसिस्टेंट है तो अगर मुझे तुम्हारी पिछली वीडियो बढ़िया लगी थी, मैं नई वीडियो भी जरूर देखूंगा, एंड इससे तुम्हारा CTR बढ़ जाएगा। इसी से मिलती हुई टिप नंबर 3 है, बी कंसिस्टेंट इन हाउ यू प्रॉमिस व्हाट यू प्रॉमिस। बेसिकली तुम्हें अपने थंबनेल्स थोड़े कंसिस्टेंट तरीके से डिजाइन करने हैं, जैसे जब भी तुम्हें रेड थंबनेल दिखेगा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एल्ग्रो आएगा। मिथपैट के थंबनेल्स में भी काफी कुछ सिमिलर रहता है, एक्सट्रीम रिएक्शन वाला फेस जो कि मोस्टली राइट साइड में होता है, और फिर थोड़े बहुत दूसरे एलिमेंट्स। पर ऐसा करना ही क्यों है, मान लो तुम दुनिया की बेस्ट वीडियोस बनाते हो एंड ऑडियंस ने सोच कर रखा है तुम्हारी वीडियो उनके सामने आई तो वो उसे देखने से पहले क्लिक कर देंगे, पर भाई टिप 3 के बिना वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, समझे। ठीक है, तो एल्ग्रो ये तो समझ गया, हमें कंसिस्टेंट कंटेंट बनाने पर और उसे कंसिस्टेंट वे में देने पर फोकस करना है। पर तेरी वो बेस्ट और नंबर 1 स्ट्रेटेजी क्या है, बताऊंगा, पर उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जानते हैं, प्रोवाइड व्हाट यू प्रॉमिस इन दी थंबनेल। देखो, अंडर प्रॉमिस करना करो, लेकिन प्रोवाइड व्हाट यू प्रॉमिस इन दी थंबनेल। अब इसका क्या मतलब है, इसे मैं और डीप में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जो कि क्लिकबेट के बारे में होगी, बट अभी इतना समझ लो, अगर तुमने थंबनेल में लिखा है बेस्ट गेम प्ले एवर, तो वीडियो में भी गेम प्ले ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को लगे हाँ भाई ये तो बेस्ट था। क्योंकि अगर तुमने टाइटल थंबनेल में लिखा वो बेस्ट गेम प्ले है लेकिन एक्चुअल में वो बेस्ट नहीं हुआ, तुम अपनी क्रेडिबिलिटी कम करवा लोगे। बेसिकली लोगों का तुम पर
भरोसा कम हो जाएगा एंड हेंस अगली बार जब तुम बेस्ट लिखोगे उन्हें पता होगा यार ये तो ऐसे ही बेस्ट लिख देता है, एक्चुअल में बेस्ट कुछ होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए पबजी बैन होते ही फौजी गेम को अनाउंस कर दिया गया था एंड उसकी मार्केटिंग कुछ ऐसे हुई कि लोगों को लगने लगा ये पबजी का ऑल्टरनेटिव होगा। ऐसे में फौजी की हाइप और उससे एक्सपेक्टेशंस हाई थी, पर गेम आया तो मैक्सिमम लोगों को बस एक चीज मिली, डिसअपॉइंटमेंट। अब इससे हुआ क्या, अगली बार जब भी फौजी की टीम लोगों को कुछ कहेगी लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। इन शॉर्ट ज्यादा प्रॉमिस और कम वैल्यू देने से उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई एंड तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते हो ऐसा तुम्हारे चैनल के साथ हो। तो रूल सिंपल है, प्रोवाइड व्हाट यू प्रॉमिस, बेशक इसके लिए कम प्रॉमिस क्यों ना करना पड़े। यार एल्गोरो ऐसे तो लोग वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे, व्यूज कहां से आएंगे फिर, कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना इसका। ये स्ट्रेटेजी ऑल्दो हर किसी के काम की नहीं है, पर जो लोग इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, लाइक उनके तो मजे हैं। पर क्या है ये बाय कलर ब्रांडिंग, इसके लिए हमें दोबारा से चलना पड़ेगा मैंगो बॉय के चैनल पर। अब अगर तुम इस चैनल पर थोड़ी नजर घुमाते हो तो तुम्हें दिखेगा थंबनेल्स बहुत कंसिस्टेंट हैं, लाइक एक बड़ा सा फेस, अच्छा सा बैकग्राउंड और कैची फ्रेज। लेकिन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यहाँ एक चीज की हुई है, जितने भी वायरल टाइप वाले वीडियोस हैं, मतलब जिनमें किसी यूट्यूबर का मेंशन है, क्रिटिसिज्म है, या इन शॉर्ट जिन वीडियोस पर एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा लोग क्लिक करेंगे उनका बैकग्राउंड येलो है, लेकिन जो स्टोरी टाइम वीडियोस हैं या बाकी वीडियोस हैं जिन पर कंपैरेटिवली उतने व्यूज एक्सपेक्टेड नहीं है उनका बैकग्राउंड ब्लू है। पर इससे होगा क्या, एल्गोरो रेनबो बनानी है क्या? नहीं भाई, भगवान का काम भगवान पर ही छोड़ दो। ऐसा करने से एक्चुअली तुम अपनी क्रेडिबिलिटी को एक लेवल ऊपर ले जा पाते हो। जैसे मैंने कहा था, तुम जो थंबनेल में प्रॉमिस करते हो वीडियो में वो होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मैंगो बॉय के केस में येलो थंबनेल लोगों को एक सिग्नल देता है कि ये वीडियो हर बार की तरह तगड़ी और मसालेदार होने वाली है, ऐसे में इस वीडियो पर कंपैरेटिवली ज्यादा क्लिक्स आते हैं। पर जब मैंगो बॉय को कोई स्टोरी टाइम या कोई और वीडियो डालनी होती है तो वो ब्लू बैकग्राउंड यूज करता है एंड ऐसा करने की वजह से रेड बैकग्राउंड की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उतनी ही रहती है। सबकॉन्शियसली अलग अलग ब्रांडिंग से लोगों को एक सिग्नल जा रहा है, येलो वीडियो तगड़ी और मसालेदार होगी, वहीं ब्लू वीडियो तगड़ी तो हो सकती है पर स्टोरी टाइम होगी। तो एल्ग्रो अगर येलो थंबनेल से लोगों को लगता है कि वीडियो तगड़ी होगी तो हम तो सभी थंबनेल्स येलो कर देते। दोस्त यही तो पॉइंट है, एक बार जाकर बोनस टिप देखो, तुम्हें थंबनेल में उतना ही प्रॉमिस करना है जितना तुम कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड कर सको। जैसे तुम एक बार ये वर्ल्ड अफेयर्स चैनल का एग्जांपल देखो, ये एक चैनल है जहां दी नरेटर ऑफ दी चैनल प्रशांत धवन टॉक्स अबाउट जनरल नॉलेज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नॉर्मली उनके थंबनेल्स कुछ ऐसे होते हैं, एक फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लू बॉक्सेस में टेक्स्ट। तो जब भी उनके व्यूअर्स इसे देखेंगे वो समझ जाएंगे ये टिपिकल मस्त सी प्रशांत धवन की वीडियो है। लेकिन इसके अलावा इस चैनल पर डेली MCQs भी अपलोड होते हैं। अब अगर उनके थंबनेल्स भी इसी फॉर्म में बनते, ट्रस्ट मी ऑडियंस ये पता करने में परेशान हो जाती कि कौन सी वीडियो प्रशांत सर की है और कौन सी डेली MCQs वाली वीडियो है। अल्टीमेटली इससे कहीं ना कहीं ब्लू थंबनेल्स की क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ अलग तरीके की वीडियोस बनाओ पर लोगों को ये ना लगे कि चैनल की क्वालिटी कम हो रही है या तुम्हारी मेन वीडियोस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तुम भी बाय कलर ब्रांडिंग का काफी सही से यूज कर सकते हो। यार ये सब तो ठीक है एल्ग्रो, पर इन टिप्स के चक्कर में तो हम क्लिकबेट ही नहीं कर पाएंगे, व्यूज कहां से आएंगे भाई। तो इसके लिए तुम्हें सीखना होगा गुड क्लिकबेट के बारे में, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो और इसके बारे में सीख लो, वरना कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को देख सकते हो एंड कमेंट करना 3008 इसका मतलब कभी और बताऊंगा।